हर पूनम पर में ही आ ऐसा ना हो पाए, एक पूनम पर गरीबों के घर तू भी आए, ओ ना कुड़क भैरू जी आओ ना मेरे भैरू जी, ओ ना कुड़क भैरू जी आओ ना मेरे भैरू जी। भागवत सुनना चाहते हैं जरा दोनों हाथों को उठाकर बड़े भाव से मीठी मीठी ताली के साथ में। वन टू थ्री जाओ भैरू जी तेरे दर्शन में पावा, आ जाओ भैरू जी तेरे दर्शन में पावा, प्यारी सूरत देख के मैं सदके जावा, प्यारी सूरत देख के मैं सदके जावा, हर पूनम पर में ही आओ ऐसा ना हो पाए, हर पूनम पर में ऐसा न हो पाए, एक पूनम पर गरीबो, एक पूनम पर गरीबो के घर तू भी आए, ओ ना कुड़क भैरू जी आओ ना चमके त्रिशूल तेरा तू है डमरू वाला, चम चम के त्रिशूल तेरा तू है डमरू वाला, भक्त अब तो राह निहारे कहाँ हो भैरू तेरा, भक्त अब तो राह निहारे कहाँ भैरू तेरा, तो शान की सवारी करके आ जाओ मेरे दादा, शान की सवारी करके हाथों को बोलना एक बार मेरे साथ, बोली ना कुड़ा भैरव देव की, भक्तों को कभी छोड़ के ना जाना ना जाना, ओ भैरू जी भक्तों को कभी छोड़ के ना जाना, भक्तों के मन की मुरादें तू ही पूरी करना, भक्तों के मन की
कौन कौन ये मुराद रखता है कि दादा तेरा दरबार मुझे 12 महीने हर महीने तेरे दर्शन कर पाऊं, कौन कौन ये मुराद रखता है? सक्षम भाई तो हमेशा मिलते हैं, मगर दोनों हाथ उठाकर जरा ताली बजाओ मिलकर, गाना मेरे साथ। बहाने लगी है तेरे दर की गलियां, तुम्हारे दर्श से मिले मन की कलियां। बहाने लगी है तेरे दर की गलियां, तुम्हारे दर्श से मिले मन की कलियां। ओ दादा मुझको बुलाता रहे, मुझको बुलाता रहे और मैं आता रहूं। तुम मुझको बुलाता रहे और मैं आता रहूं। आगे बड़ा सुंदर लिख दिया क्या? जब से तेरी चौखट पे सर ये झुका है, तब से मेरा कोई काम ना रुका है। जब से तेरी चौखट पे सर ये झुका है, तब से मेरा कोई काम ना रुका है। ओ दादा, ओ दादा, तो झुकता रहूं। ओ दादा यूं ही झुकता रहूं, तुम मुझको बुलाता रहे, मुझको बुलाता रहे और मैं आता रहूं। मुझको बुलाता रहे और मैं आता रहूं। चार पांच दिन पहले मैंने गाना रिकॉर्ड किया और रिलीज किया। क्या? जगत की दौड़ में दादा कैसे मैं दौड़ पाऊं, जगत की दौड़ में दादा कैसे मैं दौड़ पाऊं। थाम लो हाथ मेरा कहीं ना छूट जाऊं। मुझको राह दिखाओ ना, तर पे बुला कर दादा मुझको गले लगाओ ना। ना घोड़ा के भैरू मुझको राह दिखाओ ना, तर पे बुला के दादा मुझको गले लगाओ ना। मेवा नगरी वाले दादा ना घोड़ा वाले, मेवा नगरी वाले दादा मुझको राह दिखाओ, दर पे बुला कर दादा मुझको गले लगाओ ना। आनंद आ रहा है? किस किस को आनंद आ रहा है? थोड़ा हाथों को उठाकर ताली बजा करके बोली ना कोड़ा भैरव देव की। पूरे वर्ष हम जब भी दादा के दरबार में जाए तो कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। विनोद जी कुछ ना कुछ, विनय जी कुछ ना कुछ जरूर मांगते हैं कि दादा आज मेरे पास वो कमी है तो वो चीज पूरी कर दे,
या कोई संकट है तो वो मेरा हटा दे, कोई विपदा है तो वो मिटा दे। कोई न कोई चीज के लिए हम दादा से हमेशा मांगते रहते हैं। और मांगने में कैसी शर्म, वो सबको देने वाला है। मगर आज मैं भी 22 वर्ष का हो गया पूरा आज, तो इस 22 वर्षों में मैंने भी बहुत कुछ मांगा और उससे जितना मांगा उससे 3 गुना ज्यादा ही मिला मुझे हमेशा। तो आज इस बांधनवाड़ा की इस पावन और दिव्य धरती पर बैठकर इस परमात्मा के चरणों में दोनों हाथों को जोड़कर सभी लोग एक बार हाथों को जोड़कर बड़े भाव से गाना मेरे साथ 2 पंक्तियों को, क्या मांगते ही रहते तुमसे सांझ सवेरे, मांगते ही रहते तुमसे सांझ सवेरे, हाथ फैला के दादा सामने तेरे, हाथ फैला के दादा सामने तेरे, ओ हाथ फैला के दादा सामने तेरे। बताता हूं, मैंने जो गाना बजाना है ये कोई मेरा प्रोफेशनली काम नहीं है। मैं एक, और हालांकि आपको आश्चर्य होगा, मैं सोनी हूं, मैं सोनी कुल में मेरा जन्म हुआ है, मगर धीरे धीरे जिन शासन की निशना मुझे मिली और इस नाकोड़ा का द्वार मेवानगर का पावन दरबार मुझे मिला, आज सच्चाई बताता हूं सब कुछ, सुनिएगा बड़े भाव से। धीरे धीरे लगभग मैं नाकोड़ा जी जाते जाते मुझे 15 से 17 वर्ष हो गए, 10 वर्षों से लगभग मैं कंटिन्यू हर पूनम जहाँ तक दादा लगवाता है तब तक मैं पूनम की हाजिरी भी लगाता हूँ। और बहुत छोटी सी उम्र से मैंने नाकोड़ा दरबार जाना शुरू किया, मगर दादा की दीवानगी ऐसी चढ़ी कि मैं जो भक्ति होती थी मंदिर में, किशोर जी गाते हैं सब जानते होंगे, तो किशोर जी जब गाते थे तो मैं नाचता था उनके सामने। फिर धीरे धीरे वैभवजी बागवार कनेक्ट हुए तो उनके सामने मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करना हो उनको भेजेंगे, तो धीरे धीरे फिर वैभवजी बागवार मिले तो उन्होंने नचवाना शुरू किया। फिर एक दिन हाथ मेरा विक्की जी पारेख ने पकड़ लिया। ये सब करामाती है बाकी इंसान ना, जब तक मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि जब तक 5 साल तो अगर इस फील्ड में आना हो तो 5 साल तो सिर्फ किताब तोकनी पड़ती है मैन सिंगर की, उसके बाद कहीं जाकर उसको माइक मिलता है, सच बात है ये। तो मेरे साथ ये करिश्मा बड़ा गजब हुआ, मैं मीडियम फैमिली से था तो मुझे बड़ी खुद पर हंसी भी आती थी कि ये क्या चल रहा है, एक सपना सा चलता था, सपना सा, और ज्यादा पुरानी बातें भी नहीं है, ये 7 वर्ष पुरानी बातें हैं। तो एक दिन हाथ मेरा विक्की जी पारेख ने पकड़ लिया और उन्होंने ऐसा पकड़ा कि वो मुझे पूरा देश घुमा के लेकर आ गए, हर एक राज्य में लगभग लगभग जहां तक पहुंचा मैं वहां तक हर राज्य में, मैंने कभी एरोप्लेन नहीं देखा तो उन्होंने मुझे एरोप्लेन दिखा दिया। और मेरे जीवन का ये था भी कि मैं एरोप्लेन में अगर बैठूंगा तो मैं खुद के पैसों से कभी नहीं बैठूंगा, और आज तक मैं बैठा भी नहीं। तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के उन्होंने मुझे पूरा देश घुमा दिया, फिर वहां से कुछ ज्ञान लेकर के, हालांकि कोई ज्ञान हाथ पकड़ के सिखाता नहीं कि बैठे ऐसे का, मगर जहां से मुझे जो कुछ मिला वो मैंने वहां से ले करके और इस दादा के निशान में बैठ करके, फिर मुझे एक गुरु मिल गए मुकेश जी शर्मा, तो उन्होंने मुझे थोड़ा सरगम का ज्ञान दे दिया तो थोड़ा और चल पड़ा। फिर धीरे धीरे हमारे भाइयों का संग मिल गया और फिर मेरा एक बैक बोन बनकर, एक कंधा बनकर मेरा छोटा भाई मोहित सोनी मिल गया, तो इसने मुझे बहुत आगे तक उड़ान दे दी। मतलब कहते ना कि वो पेट्रोल वाली पेट्रोल डाल दिया मेरे अंदर तो मैं भागता गया, एक ऐसी आग लगी कि वो आज मैं भाग रहा हूं। तो ये बहुत बड़ी कृपा है मुझ पर, इसलिए गा देता हूं। याद है मुझे वो दिन, खाली जेब थी मेरी, दर दर भटकता था मैं, दर दर भटकता, याद है
पैरों की क्या कहूँ, अपनों की आंखों में रह रह खटकता था मैं, रह रह खटकता। पैरों की क्या कहूँ, अपनों की आंखों में रह रह खटकता था मैं, रह रह खटकता। मैं सच बता रहा हूँ, जो जो व्यक्ति मुझे मुंह देखना भी पसंद नहीं करते थे ना, फैमिली रिलेशन से बताता हूँ, तो जो व्यक्ति मुंह देखना भी पसंद नहीं करते थे ना, वो आज खुद आकर के फ़ोन लेकर आते हैं, बोले एक सेल्फी हमको भी दीजिए। तो ये बहुत बड़ी कृपा, उसके अलावा क्या मांगना चाहिए, क्या ले कर सकते हैं, क्या ले सकते हैं और क्या दे सकते हैं उस परमात्मा को। इसलिए याद है मुझे वो दिन, खाली जेब थी मेरी, दर दर भटकता था मैं, दर दर भटकता। याद है मुझे वो दिन, खाली जेब थी मेरी, दर दर भटकता था मैं, दर दर भटकता। गैरों की क्या कहूँ, अपनों की आंखों में रह रह खटकता था मैं, रह रह खटकता। मगर इस परमात्मा ने भी परीक्षा लेने में कोई कमी नहीं रखी साहब। मैं बहुत दिल से बोल रहा हूँ, मेरे पास आपने अभी तक देखा होगा, मैंने अभी तक कोई भी किताब को हाथ नहीं लगाया, सब कुछ गा रहा हूँ, सब कुछ बोल रहा हूँ, सब कुछ कनेक्ट होकर मैं गा रहा हूँ। तो इस परमात्मा ने भी परीक्षा लेने में कोई कमी नहीं रखी। मैं जब पहली रिकॉर्डिंग कराने गया, जो सॉन्ग्स आज आते हैं, तो मैं पहली रिकॉर्डिंग कराने गया इंद्रजीत शर्मा के पास, जो कि राजस्थान के बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं। उनके पास गया तो मेरी आवाज़ की वो क्वालिटी बैठी नहीं, तो मैंने वो गाना निकाला ही नहीं। उसके बाद धीरे धीरे लगभग एक साल में चुपचाप बैठ गया। फिर उसके बाद एक दिन एक बड़े कलाकार ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे रिकॉर्डिंग्स के मामले में आगे बढ़ाया, तो फिर एक दिन उन्होंने भी मेरा हाथ छोड़ दिया। फिर हमारा भाई मोहित, इसको सुनाते 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 इतने भजन सुनाए, इतने भजन सुनाए, जितने भजन आपको आज नहीं सुनाए उससे 10 गुना ज़्यादा रोज़ मैं भजन सुनाता हूँ इसको, सुनाते सुनाते। और इसने आज ये तैयार कर लिया और आज खुद रिकॉर्डिंग, मात्र इसकी उम्र 19 साल है और पूरा खुद रिकॉर्डिंग स्टूडियो संभालता है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और फिर हमारे भाइयों का संग मिल गया, ये कवि गौरव जी और निखिल भाई, कल्पेश भाई, तो थोड़ा और आगे बढ़ गए, तो ये बड़ी कृपा की बात है। इसलिए एक बार मिलकर गाना मेरे साथ। मांगते ही रहते तुमसे सांझ सवेरे, हाँ मांगते ही रहते तुमसे सांझ सवेरे, हाँ हाथ फैला के दादा सामने तेरे, हाँ हाथ फैला के दादा सामने तेरे, हाँ हाथ फैला के दादा सामने तेरे। तूने खूब दिया दादा, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तूने खूब दिया दादा, तूने खूब दिया दादा, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तूने खूब दिया दादा, तूने खूब दिया दादा, तूने खूब दिया। बस अंत में चीज हमेशा कहता हूं, है दादा, ओ भैरू जी भक्तों को कभी छोड़ के ना जाना, ना जाना, ओ भैरू जी भक्तों को कभी छोड़ के ना जाना, भक्तों के मन की मुरादे तू ही पूरी करना, भक्तों के मन की मुरादे तू ही पूरी करना, तेरी महिमा जग में न्यारी, नाम है तारण हारा, आओ ना मेरे भैरू जी, भैरू जी, ओ ना कोड़ा